हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स जो रिसेंटली 2022 की हैं उन सभी को देखेंगे और साथ ही जो हमने पुरानी भी एक बार की थी उनको रिवाइज भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी देखने को मिलेंगी, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कवर की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का अनावरण किसने किया? तो इसको अनवील किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्कीम के बारे में देखें तो ये किसके लिए है, तो ये बच्चों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया है। इसके तहत क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो 4,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बेसिक नीड्स, साथ ही में फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्कूलिंग, स्कॉलरशिप मिलेगी हायर एजुकेशन के लिए, और ट्रीटमेंट अप टू रेट 5 लाख रुपीज़। तो ये है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में। नेक्स्ट पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, श्रेष्ठ योजना निम्नलिखित में से किस समूह के लिए शुरू की गई है? तो श्रेष्ठ योजना ये शुरू की गई है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले देखें श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम्स फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज़। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये स्कीम? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, और जो अभी मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इसे लॉन्च किया है फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़, और मेनली शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसका नाम है स्टार्टअप फॉर रेलवेज़। किसने लॉन्च की है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम क्या है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ये जो स्कीम है ये एम करेगी कि कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए जाएं टू द प्रॉब्लम्स लाइक रेल फ्रैक्चर, रिडक्शन ऑफ टाइम बिटवीन टू ट्रेन्स एंड अदर पैसेंजर रिलेटेड इशूज़। तो मेनली एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो कि रेलवे के लिए बनाया गया है, एक इनोवेशन पॉलिसी है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि ये जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, इसमें इफ़िशियंसी लाने का काम ये स्कीम करेगी, ये स्टार्टअप फॉर रेलवेज़। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में जन सुरक्षा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? देखिए इस तरह के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जिन्होंने अपने 5 साल 6 साल या 7 साल पूरे किए हैं। ठीक है, तो हम बात करें जन सुरक्षा स्कीम, इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 7 साल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो ये लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को, जिसके अभी रिसेंटली 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्च किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और जो जन सुरक्षा स्कीम है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह है, इसके अंतर्गत 3 स्कीम्स आती हैं। कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम जो हैं ये जन सुरक्षा स्कीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में ई नैम, नैम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसने कितने साल पूरे किए हैं? तो ई नैम को कम्प्लीट हो गए हैं पूरे 6 साल। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें, तो जो ई नैम है ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड नेटवर्क है। ई नैम को कौन इम्प्लीमेंट करता है, या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो इसका नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, शॉर्ट में आपने इसको पढ़ा होगा SFAC। लॉन्च कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कम्प्लीटली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जितना भी फंड इसको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और SFAC इसकी की एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वनिधि से समृद्धि ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें, तो पीएम स्वनिधि जो है ना उसी का ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है, स्वनिधि से समृद्धि। ये फेज़ 1 में 2021 में 125 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिलीज इसके अंतर्गत कवर की जाएंगी। कोरोना टाइम पर ये स्कीम लागू की गई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, और आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं
उन्हें लोन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी और उसी का नेक्स्ट वर्जन है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मुद्रा योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं, तो इसे 7 साल पूरे हो गए हैं। इसके बारे में थोड़ा देखें तो किसके द्वारा अनाउंस की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को विद द गोल ऑफ ग्रांटिंग लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़ टू नॉन कॉपरेट नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म और लघु उद्यम जो होते हैं उनको शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को, और इसे 7 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो अटल इनोवेशन मिशन ये मार्च 2023 तक ये जारी रहेगा, ये मिशन, ऐसी मंजूरी यूनियन कैबिनेट के द्वारा दी गई है। क्या क्या लक्ष्य हैं एम क्या है, एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, तो इसके गोल्स हैं डेवलपिंग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित करना, और साथ ही में 200 एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉन्सर करना थ्रू द अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, अनाउंस की गई थी, 2015 के बजट में, और किसके द्वारा ये चलाई जाती है, जो पूरा कार्यक्रम है इसको रन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जम्मू कश्मीर में बनाया जाने वाला पहला केबल रेल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यह अंजी रिवर पर बनाया जा रहा है, और केबल रेल ब्रिज है तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये बनाया जा रहा है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर है अंजी रिवर और वहीं पर यह बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये है मध्य प्रदेश, और पूछा जाए मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, तो इंदौर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ड ऑन वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन, ठीक है, वेस्ट को वेल्थ में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है उसके लिए ये मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया है, तो ये सिडबी का है सुंदरबंस में, ठीक है। पीछे था बायो सीएनजी प्लांट, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में है, ये सिडबी का है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, ये है सुंदरबंस में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन को ये काम दे सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है स्माइल योजना समाज के किस वर्ग के लिए शुरू की गई है, तो ये जो है ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स, इन दोनों वर्गों के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, और काम क्या है इसका, टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जीवा प्रोग्राम ये नाबार्ड का है, और लास्ट टाइम जब हमने इसको पढ़ा था तो किसी ने बोला था कि इसकी फुल फॉर्म भी मुझे देनी चाहिए थी, तो जितना मैंने सर्च किया है उसमें जीवा की फुल फॉर्म कुछ नहीं थी। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, तो जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वाडी प्रोग्राम्स इन 11 स्टेट्स। तो बेसिकली जीवा प्रोग्राम जो है ये नेचुरल फार्मिंग के लिए एक प्रोग्राम है नाबार्ड का। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना की समय अवधि कितने सालों के लिए बढ़ा दी गई है, तो ये जो है अवधि 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई नेशनल यूथ एम्पावरमेंट स्कीम की। स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप द पर्सनल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ द यूथ एंड इन्वॉल्व देम इन नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़। साइबर सुरक्षा केंद्र साइबर सिक्योरिटी सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो बेंगलुरु में स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से किस योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं, तो ये जो स्कीम थी उजाला स्कीम थी जिसने 7 साल अपने कंप्लीट कर लिए थे। उजाला की फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर है टू प्रमोट द एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई थी लखनऊ से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये स्कीम आती है। लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी जो कि यूपी में है, और इसका उद्देश्य है प्रोवाइड अ फंड वर्थ 15,000 टू एवरी फैमिली वेयर अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न। तेजस्विनी और हौसला योजना किसने लॉन्च की है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये योजनाओं को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये शुरू भी की गई है जम्मू कश्मीर J&K बैंक के द्वारा, ये योजनाएँ शुरू की गई हैं। ये 18 से 35 साल की महिलाओं के लिए हैं, टू हेल्प देम स्टार्टिंग देयर बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव ट्रेन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ट्रेन की बात हो रही है तो रेलवे मिनिस्ट्री होगी। और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए एक बार, शोकेसिंग द कंट्रीज रिच कल्चरल हेरिटेज एज वेल एज मैग्निफिशेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस टू द पब्लिक। विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च PM डिवाइन स्कीम? PM डिवाइन स्कीम जो है किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा। PM डिवाइन की फुल फॉर्म देख लेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करती हुई ये स्कीम है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी। पर्वतमाला प्रोग्राम किस मंत्रालय की योजना है? तो ये योजना है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री की। इसे पर्वतमाला या फिर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी हम देख ही चुके हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। और ये जो स्कीम है, पर्वतमाला योजना है, प्रोग्राम है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए रोपवे डेवलपमेंट का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAR स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। और इसके बारे में देखें तो इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। लॉन्च इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक योजना है, एक प्रोग्राम है, और इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 2022 से 2027 के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि एडल्ट एजुकेशन जो है उसे रीनेम किया गया है एज एजुकेशन फॉर ऑल। अब कुछ स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिनकी डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं। तो PM जनधन स्कीम 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014, और इसके अंतर्गत 7 डिसीजेज हैं जिनको खत्म करने की जो लक्ष्य है वो रखा गया है। फिर है डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। अगली स्कीम है उड़ान, 21 अक्टूबर 2016 को ये शुरू की गई थी। PM सहज बिजली हर घर योजना या फिर जिसे सौभाग्य कहते हैं, 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। PM जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत आमतौर पर कहा जाता है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है 30 जुलाई 2020 को इसको शुरू किया गया था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 1 जून 2020। अब आ जाते हैं स्टेट की जो नई स्कीम्स हैं जो रिसेंटली ही लॉन्च की गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है आंचल, ये एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान है। कौन से राज्य का है? राजस्थान का। और लॉन्च कहाँ पर किया गया? करौली डिस्ट्रिक्ट में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए है, टू इंश्योर ऑल नेसेसरी मेडिकल एड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेज, ताकि मैटर्नल और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो है उनको कम किया जा सके। तो आंचल अभियान किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगली जो योजना है YSR यंत्र सेवा स्कीम, आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। लॉन्च किया है YS जगन मोहन रेड्डी ने।
और ये योजना क्या काम करेगी या किस लिए इसको शुरू किया गया है, ताकि स्टेट लेवल मेगा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ट्रैक्टर्स का और साथ ही में कंबाइन हार्वेस्टर्स का अंडर YSR यंत्र सेवा स्कीम इन गुंटूर। नेक्स्ट स्कीम पर आते हैं तो इसका नाम है द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर। कर्नाटका राज्य की ये स्कीम है एक, और इसका काम क्या है तो सबसे पहले नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा फार्मर्स के लिए है ये, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है यानी कि एक सिंगल डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए फार्मर्स जितने भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। जैसे कि पीएम किसान MSP के लिए जो पेमेंट प्राप्त होती है, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन या फिर राशन कार्ड, इन सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें इजीली एक्सेस हो सके फार्मर्स को, इसके लिए स्कीम की शुरुआत की गई है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारी स्कीम है एनम एसुथम स्कीम, ये तमिलनाडु राज्य की है। तो ये तमिलनाडु राज्य की है, लॉन्च की है CM MK स्टालिन ने। क्यों शुरू की गई है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेंडेमिक के कारण, COVID-19 पेंडेमिक के कारण उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ था और उन्हें बहुत नुकसान हुआ था स्टडी बेसिस पर, ठीक है। तो वो जो लर्निंग गैप आया था उस दौरान, उसी लर्निंग गैप को भरने के लिए, फिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। और साथ ही 2025 तक का टारगेट है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को इंश्योर करना, तो ये जो टारगेट है इसको भी पूरा करने के लिए ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु के लिए। अगली जो स्कीम है मेडिसेप स्कीम है, केरला की एक स्कीम है ये, और एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है। किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं और उनकी एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स, ये सभी एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। अगली स्कीम है हमारी लोक मिलनी स्कीम, पंजाब की स्कीम है एक, लॉन्च की गई है CM भगवंत मान के द्वारा, और किस लिए है, पब्लिक कंप्लेंट को रिड्रेसल करने के लिए। और ये अपनी तरह का एक पहला पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम है जिसका नाम है लोक मिलनी स्कीम। नेक्स्ट हमारी स्कीम है चारा बिजली योजना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज बहुत ज़्यादा सहज नहीं हो पा रही हूँ बोलने के लिए, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। चलिए स्कीम पर आते हैं। चारा बिजली योजना हरियाणा की है ये, लॉन्च की गई है हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जयप्रकाश दलाल, इनके द्वारा। किसके लिए है स्कीम, फॉर फॉडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स, और जो भी फॉडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स हैं उन्हें 10,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये लॉन्च की गई है, और जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है लाडली लक्ष्मी स्कीम, तो लाडली लक्ष्मी मतलब गर्ल्स के लिए है ये, गर्ल चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए एनकरेज करना इस स्कीम का मेनली इनिशिएटिव है और उद्देश्य है, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, दिल्ली की योजना है जिसके तहत लगभग 25,000 हाउस होल्ड्स को जो कि ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं उन्हें फ्री सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू ईस्ट दिल्ली, तो ये मेरे क्षेत्र के लिए भी ये योजना है। नेक्स्ट है हमारी योजना ब्रेकफास्ट स्कीम जो कि तमिलनाडु सरकार की है, लॉन्च की गई है MK स्टालिन के द्वारा, और इस स्कीम के साथ ही तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि ऑफ़र करेगा ब्रेकफास्ट अलोंग विद मिड डे मील्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी स्कीम है हिम प्रहरी स्कीम, उत्तराखंड राज्य की स्कीम है, किसके लिए है, एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए। और इन लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और यंगस्टर्स होते हैं उत्तराखंड के बाहर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो जो माइग्रेशन होता है लोगों का उसे रोकना मेन फोकस है इस स्कीम का।
नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश की स्कीम है, जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा लॉन्च की गई है। और किस लिए है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना, 1 लाख या फिर 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना टू यूथ, ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। अगली स्कीम है हमारी स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार की है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, उत्तर प्रदेश में एलिमेंट्री और अपर प्राइमरी स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्कूल चलो अभियान ये जो है श्रावस्ती में इम्प्लीमेंट किया जाएगा मेनली, विच हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट। ठीक है, तो आपको एक और यहाँ से पॉइंट मिल गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो वो ज़िला है श्रावस्ती। ठीक है, और वहीं से इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है द्वारे राशन योजना, ये जो है वेस्ट बंगाल की है, फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट द डोर स्टेप। ठीक है, घर तक पहुंचाना फूड ग्रेन्स को, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम है जन सेवक एंड जन स्पंदन स्कीम, कर्नाटका की है, और इसका उद्देश्य भी सेम है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उन्हें डिलीवर करना घर तक, डोर स्टेप तक। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट क्लैप, आंध्र प्रदेश राज्य का ये प्रोजेक्ट है, और किस लिए है, टू क्लीन अप रूरल एरियाज, इम्प्रूव सैनिटेशन कंडीशंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट विद पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है जगन्नाथ स्मार्ट टाउन स्कीम, आंध्र प्रदेश की स्कीम है, टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल प्लॉट एट अफोर्डेबल प्राइस। फिर नेक्स्ट है हमारी कुन स्योम स्कीम, जो कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये शुरू की गई है, कहाँ पर, लद्दाख में शुरू की गई है, फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। और कुन स्योम जो ये स्कीम का नाम है, कुन स्योम का मतलब क्या है, इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल, और इसका जो एम है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल लद्दाख। फिर नेक्स्ट हमारी योजना है सहाय, इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ स्कीम, झारखंड राज्य की ये स्कीम है, टू मोटिवेट द यूथ ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरियाज टूवर्ड्स अ पॉजिटिव लाइफ बाय गिविंग देम एन आइडेंटिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना ऐसी यूथ को जो कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं, ताकि एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ उन्हें लेकर जाया जा सके। अभी वन लाइनर में कुछ स्टेट की स्कीम्स हैं, जैसे कि पहली है कर्नाटका राज्य ने इंट्रोड्यूस किया है विनय समरस्य इनिशिएटिव एज अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कास्ट, और ऐसा किया गया है विनय, अभी रिसेंटली ही एक वाक्या हुआ था, 3 या 4 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है विनय, और क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करता था और बारिश के समय उसने मंदिर में शरण ली थी बारिश से बचने के लिए, तो उसकी फैमिली पर 15,000, जितना मैंने पढ़ा था, 15,000 का जुर्माना लगाया गया था। वो गांव में, क्योंकि गांव वाला सिस्टम है, कर्नाटका के किसी गांव की ही घटना है, तो गांव वाला सिस्टम वहां पर चलता है, तो गांव में जो पंचायत होती है और सभी लोग होते हैं, उन्होंने मिलकर 15,000 का जुर्माना लगाया था फैमिली पर। ठीक है, तो इसकी बाद में शिकायत की गई, और बिल्कुल भी अच्छी घटना नहीं है ये, वो भी तब जब हम 21वीं शताब्दी में अभी फ़िलहाल हैं, और अभी भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है कर्नाटका के द्वारा, सरकार के द्वारा, विनय समरस्य इनिशिएटिव, ताकि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक जारी किया जा सके अगेंस्ट कास्ट, और इस स्कीम का नाम उसी बच्चे के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र जो राज्य है उसने लॉन्च किया है स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स, जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए अप टू 50,000 50,000 तक का लोन ऑफर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है एट 7% इंटरेस्ट रेट। फिर नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट, इसने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, कौन सी स्कीम के लिए, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इस योजना के लिए एक क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है होप एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जो कि राजस्थान की है, पर्य शिक्षालय वेस्ट बंगाल का है, मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना 2022, ये मध्य प्रदेश की एक स्कीम है। और यहाँ पर एक और है आईटीईएस पॉलिसी 2022 से 2027 तक के लिए गुजरात के द्वारा ये शुरू की गई है।
नेक्स्ट आते हैं निरामय स्कीम 2022 असम की है और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये शुरू की गई है। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आरोहण ये असम के हैं। ये भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। KCR किट स्कीम तेलंगाना की है। माना उरू माना बाड़ी प्रोग्राम 2022 में शुरू हुआ, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया शुरू। स्ट्रीट स्कैपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट दिल्ली का है। ग्राम वन प्रोग्राम कर्नाटका का है। मदर ऑन कैंपस स्कीम त्रिपुरा का है। बैक टू वर्क स्कीम राजस्थान का। फॉर द वुमेन हु क्विट देयर जॉब बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ये थी हमारी सभी स्कीम्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। एंड आई नो आज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ मेरे बोलने में, तो एडजस्टेबल हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ बताइएगा, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दूँगी। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।